जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2023-2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये आपका अप्लाई ऑनलाइन लिंक है। यहाँ पर आने के लिए आपको क्या करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 540 पोस्ट पर ये वैकेंसी जारी की गई है। एज लिमिट आपकी 18 से 22 साल के बीच रखी गई है। फॉर्म आप लोग 1 जनवरी 2024 तक भर पाएंगे। कौन से स्पोर्ट्स के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर देख सकते हैं। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। सेम जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम में बहुत ही अच्छे से दी है, तो आप वीडियो को देख करके अच्छे से इसके बारे में जान सकते हैं। एंड अगर आप इसमें एलिजिबल और आपका मन है फॉर्म को फिल करने का, तो आप कैसे फिल करेंगे ये जान लीजिए। आप यहां पर आएंगे इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आने के बाद में आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर आपका मोबाइल नंबर एंटर कीजिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। एंड इसके बाद में गाइज आप ये जो कैप्चा कोड है वो यहां पर डालेंगे, और ये डालने के बाद में आपको यहां पर ये चूज करना है कि आपको यहां पर लॉग इन विद डिजी लॉकर यानी कि डिजी लॉकर के माध्यम से लॉगिन करना है या फिर विदाउट डिजी लॉकर के माध्यम से लॉगिन करना है। तो जिस माध्यम से भी आपको लॉगिन करना है वही आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर डिजी लॉकर के माध्यम से करेंगे तो जानकारी आपकी डिजी लॉकर से फेच की जाएगी, वहां पर आपका डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल रहता है, वहां से आपके सब कुछ वेरीफाई किया जाएगा। एंड अगर आप विदाउट डिजी लॉकर करना चाहते तो आप यहां पर लॉगिन विदाउट डिजी लॉकर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपके नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा जो कि आपको यहां पर डालना है और सबमिट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपको आपकी बेसिक डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले यहां पर आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आप यहां पर मिडिल नेम डालेंगे, अगर नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। फिर आपको लास्ट नेम यानी कि आपका जो सरनेम है वो एंटर करना है। फिर यहां पर आप आपके फादर का नेम एंटर करेंगे। एंड ये एंटर करने के बाद में आपको आपकी माता जी का नाम एंटर करना है। एंड देन फिर यहां पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। पहले यहां पर इस तरह से आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके जो भी आपका ईयर है वो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम यहां पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहां से आपको मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। देन गाइस यहां पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल, और साथ ही यहां पर आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है। एंड देन यहां पर आपको बताना कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप यहां पर टिक कर देंगे। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, जनरल एससी एसटी जो भी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सेलेक्ट करने के बाद में गाइस यहां पर आपको आपका जो आधार नंबर है वो एंटर करना है। फिर अगर आप ओबीसी कैटेगरी से है तो आपसे पूछा जाएगा कि डू यू बिलोंग टू क्रीमी लेयर। जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होता है कैटेगरी का उसमें आपको मेंशन होता है कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नहीं आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर यस नो में आंसर कर दीजिएगा। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, ये मार्क आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, इस मार्क के बारे में आपको लिखना है। और फिर दूसरा मार्क भी यहां पर लिखना है, बट अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक ही मार्क है परमानेंट तो आप यहां पर दूसरे में नो मार्क लिख दीजिएगा। इसके बाद गाइज आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहां पर आपके एड्रेस की इंफॉर्मेशन आ चुकी है, तो आप यहां पर हाउस नंबर या फिर स्टेट या फिर आपका विलेज इनमें से कोई भी जानकारी लिख दीजिए, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वही आप यहां पर लिख देंगे। स्टेट आपकी कौन सी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट आपकी उस स्टेट के अंदर कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन आपका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो आपको यहां पर लिखना है। आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है वो आप यहां पर लिखेंगे, और आपका पिन कोड क्या है वो भी आपको यहां पर एंटर कर देना है। फिर आते हैं नीचे आपका कोरस्पॉन्ड परमानेंट एड्रेस, ऊपर जो आपने भरा है आपका प्रेजेंट एड्रेस है और नीचे है आपका परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहां पर इसमें यस कर देंगे जो आपको यहां पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर अलग है तो आप नो करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर दीजिएगा। फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहां पर अदर इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है, जहां पर आपसे पूछा है कि क्या आप यूपी के मूल निवासी है। अगर आपके पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र है, आप यहां के परमानेंट निवासी है, तो आपको यस करना है। एंड इसके बाद में पूछेगी कि आप सरकारी कर्मचारी है, अगर हाँ है तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछेगी क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस से है, अगर आप है तो आपको यहां पर यस करना होगा। और आपको ये भी बोला है कि जिनकी पारिवारिक आय 50,000 से प्रतिवर्ष कम हो वही यहां पर इसमें यस नो कर पाएंगे, अगर आप है तो यस करें इसके अकॉर्डिंग, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है क्या भूतपूर्व सैनिक है, अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप यहां पर भी नेक्स्ट कर देंगे। अब आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी, तो सबसे पहले आपको यहां पर 10th की इंफॉर्मेशन भरनी है। 10th की इंफॉर्मेशन में आपको
आपको सबसे पहले जो आपका बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो जिस भी बोर्ड से आपने आपकी 10वीं पास की है वो सिलेक्ट कर लेंगे, किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है वो साल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में गाइज आपको क्या करना है, आपका रोल नंबर एंटर करना है। तो जो भी आपका 10वीं का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर बताना है परसेंटेज ऑफ मार्क्स या फिर CGPA, तो जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर आप CGPA लिख रहे हैं तो आपको आउट ऑफ 10 में से बताना है, एंड आपकी जो परसेंटेज है वो आप तो डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आपको 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो 12वीं में भी पहले आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, फिर आपने कौन से ईयर के अंदर आपकी 12वीं पास कर ली थी वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, आपका 12वीं का रोल नंबर और आपकी परसेंटेज कितनी थी वो भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में गाइज आपको डिग्री बतानी है, तो अगर आपके पास कोई डिग्री है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो अदर ग्रुप ब्रांच के ऊपर क्लिक करके खुद से भी अपनी डिग्री मेंशन कर सकते हैं। बट अगर आपने 12वीं के बाद कोई क्वालिफिकेशन नहीं किया अभी तक, तो फिर आप यहाँ पर अन्य जानकारी भरने की आवश्यकता आपको है नहीं, आप सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर आपका फोटो साइन एंड जो अन्य सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करने हैं। तो पहले जो आपका फोटो है वो सिंपल फोटो होना चाहिए, इस तरह से, जिसका डेमो भी आपके सामने है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी फोटो फाइल है सिलेक्ट करेंगे, यहां से ओपन करेंगे, आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। फिर आपको यहां पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, तो यहां पर इस तरह का आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो आप जहां पर भी साइन की फाइल है वो सिलेक्ट कीजिए एंड यहां से इस तरह से ओपन कर लीजिए, तो आपका साइन भी यहां पर आ जाएगा। अब आपको यहां पर आपका जो आधार है वो अपलोड करना है, इसका फॉर्मेट आपका PDF का रखा है, साइज 200KB से कम ही रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको बोला है फाइल साइज मस्ट बी लेस देन 200KB, तो 200KB से नीचे ही होना चाहिए, फॉर्मेट PDF का है। तो जहां पर भी आपकी फाइल है आपके आधार कार्ड की, वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर वो इमेज में है तो आप उसको PDF के अंदर कन्वर्ट करके यहां पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद में गाइज आप यहां पर आएंगे और आपको यहां पर 12वीं की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। आपको बोला है 12 10+2 स्टेज, तो आपको 12वीं का जो सर्टिफिकेट है या फिर जो भी मार्कशीट है वो यहां पर अपलोड करनी है। इसके बाद में यहां पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट है। फिर आपको यहां पर आपका निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है, एंड देन यहां पर आपको टिक करना है और फिर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहां पर आपके सामने जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जानकारी भरी है वो आ चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि जब अभी मैंने यहां पर अपना जो आधार कार्ड है वो अपलोड किया, तो उसमें वैसे तो आपको फाइल में बोला है कि PDF के फॉर्मेट में अपलोड करना है, बट PDF का नहीं ले रहा है, इमेज में ही आपको अपलोड करना होगा। और बाकी के जो नीचे के आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो भी आपको JPG के फॉर्मेट में ही अपलोड करना है, तो ये आपको कर देने हैं। इसके बाद में आप यहां पर आएंगे, अगर आप यहां से इसको प्रिंट करना चाहते हैं आपकी रजिस्ट्रेशन की जानकारी को, तो आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहां से आप इसको सेव कर लेंगे, क्योंकि ये जानकारी आपकी महत्वपूर्ण है, तो आप इसको सेव कर लीजिए। तो चलिए हम यहां पर इसको सेव कर लेते हैं। अब सेव करने के बाद में आपको यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर आना है और यहां पर आने के बाद में आपको होम पर क्लिक करना है। होम पर क्लिक करने के बाद में आपको अप्लाई फॉर पोस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर अप्लाई फॉर द पोस्ट यहां पर क्लिक कीजिए एंड फिर से आपको यहां पर लॉग इन हो जाना है। लॉग इन होने के लिए आप यहां पर जो अभी आपको रजिस्ट्रेशन के अंदर आपकी UPP RB की ID मिली है वो डालेंगे, अपना रजिस्टर्ड नंबर डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में आप यहां पर नीचे आइए और आपको यहां पर अप्लाई फॉर पोस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब ये इंटरफेस आने के बाद में आप यहां पर अपनी ऊपर की तरफ इन्फॉर्मेशन देखेंगे रजिस्ट्रेशन की, और नीचे आपको यहां पर कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें कि यहां पर पूछे कि क्या आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको बताना है कि ओ लेवल सर्टिफिकेट में या जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो किसके द्वारा इशू किया गया है, एंड यहां पर आपको उसका जो वर्ष है, कौन से वर्ष में आपने किया है, वो आपको यहां पर एंटर करना है। एंड साथ ही आप यहां पर ओ लेवल DIOACC जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहां पर देना होगा, साथ ही वो आपको अपलोड भी करना है, नहीं है तो आप यहां पर नो कर देंगे। फिर आता है कि आपके पास प्रादेशिक सेना प्रमाण पत्र में 2 वर्ष का की सेवा है, अगर आपके पास है 2 ईयर का एक्सपीरियंस तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है कि आपके पास NCC 20 सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस, नहीं तो यहां पर भी आपको नो करना है। फिर आती है प्रेफरेंस ऑफ सिविल पुलिस PSC, तो आप किसको पहली प्रेफरेंस देना चाहते हैं, सिविल को देना चाहते हैं या फिर PSC को, तो हमने सिविल को पहले दिया और दूसरी को PSC। फिर आता है आपका नेम ऑफ स्पोर्ट्स, तो आप इनमें से किस स्पोर्ट्स में अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको काफी सारे स्पोर्ट्स दिए गए हैं, इनमें से जिस भी स्पोर्ट्स में आपको अप्लाई करना है वही स्पोर्ट्स आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं जैसे कि एग्जांपल के लिए यहां पर ये सिलेक्ट कर लेता हूं। इसको सिलेक्ट करने के बाद में जैसे कि मैंने फुटबॉल सिलेक्ट किया, तो इसमें सब कैटेगरी आएगी, तो आपके इनमें से कौन
कौन सी पोस्ट है वो आपको बताना है, यानी कि आप किस लेवल पर खेलते हैं या फिर कौन सा आप खेलते हैं, गोलकीपर है, डिफेंडर है, मिड फील्डर है, वो आपको सेलेक्ट करना है। इसी प्रकार से जो भी आप पोस्ट सेलेक्ट करते हैं उस पर जो भी आपकी कैटेगरी लागू होती है सब वो आपको यहाँ पर टिक करके बतानी होगी। साइकिलिंग है तो आपको बताना है रोड, ट्रैक, क्रॉस कंट्री, बीएमएक्स, जो भी है इस तरह से आप यहाँ पर बता दीजिएगा। ये बताने के बाद में गाइज आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद में आप यहाँ पर आता है नेम ऑफ द टूर्नामेंट, तो आपने किस टूर्नामेंट में खेला है वो टूर्नामेंट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ये सभी टूर्नामेंट में अगर आप खेले तभी आप इस पर एलिजिबल हो पाएंगे, जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट किया है। फिर आता है डेट ऑफ टूर्नामेंट, टूर्नामेंट आपका कब हुआ था वो डेट आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सेलेक्ट करने के बाद में गाइज आपके सामने आएगा डेट ऑफ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, जो आपकी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है उसकी डेट क्या है, कब आपको मिला था, वो डेट आप यहाँ पर डालेंगे। एंड इसके बाद में आपको बताना नेम ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन टूर्नामेंट, तो टूर्नामेंट के आयोजक का नाम क्या था वो आप यहाँ पर लिखेंगे। यदि जीता तो पदक, यदि कोई पदक नहीं जीता तो इवेंट में स्थान, तो अगर आपने कोई मेडल जीता है तो आप यहाँ पर वो लिखेंगे, नहीं तो फिर आपका जो पोजीशन आई थी वो आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद में स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट इश्यूंग अथॉरिटी विद कंप्लीट एड्रेस, यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है उस अथॉरिटी का नाम और साथ ही एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है। अगर कोई और सर्टिफिकेट भी है तो सेम तरीके से यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करके जानकारी भर दीजिएगा। फिर जो आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट है उसका सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे पीडीएफ के रूप में, एंड देन गाइज यहाँ पर आप टिक करेंगे इनके ऊपर और फिर आपको यहाँ पर सबमिट करना है। नाउ गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, अभी आप सभी जानकारी चेक करेंगे एंड अभी आपको प्रिंट चालान इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ये आपका जो चालान है वो प्रिंट हो चुका है। अभी चालान आपको यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट करा लेना है और प्रिंट कराने के बाद में आपको इसको बैंक के अंदर जमा कराना है। जैसे कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको भारतीय स्टेट बैंक के अंदर ये जमा कराना होगा। शाखा कौन सी है उस शाखा का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर चालान संख्या लिखी जाएंगे। आपको ये बोला कि केवल उपघोषगार बैंक के प्रयोगार्थक, यानी कि जो बैंक है वो यहाँ पर इसको भरेंगे चालान संख्या शब्दों में, और यहाँ पर साथ ही दिनांक लिखी जाएगी, उनके यहाँ पर साइन होंगे और साथ ही यहाँ पर मोहर भी लगेगी, और साथ ही किन रुपए के अंदर आपने ये जो 400 रुपए का अमाउंट है वो दिया है वो आप यहाँ पर बताएंगे। तो जैसे ही आप इसको चालान को जमा कर देंगे बैंक के अंदर तो फिर आपको एक रिटर्न में एक रसीद या फिर ये जो चालान है वो आपको वापस किया जाएगा। फिर वो आपको क्या करना है उसका गाइज आपको यहाँ पर आना है और आप जहाँ से आपने अप्लाई करना शुरुआत की थी यहीं पर आपको बोला है कि अपलोड पेमेंट चालान, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपकी यूपीपी आरबी आईडी है रजिस्टर करने के बाद में जो आपको मिली है वो यहाँ पर डालिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए जो कि आपने रजिस्टर किया है, ये कैप्चा नंबर डालिए और फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आप यहाँ पर इस तरह से लॉगिन हो जाएंगे और लॉगिन होने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे चालान नंबर, तो जो आपका जो चालान नंबर आपको मिला है वो चालान नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे, चालान डेट किस डेट में आपने चालान कराया है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, एंड देन जो आपका चालान है जो आपको मिला है वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे और फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका फॉर्म कंप्लीट सबमिट हो जाएगा। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक करके आपके फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि हाँ आपका फॉर्म जो आपकी फीस है वो यहाँ पर एक्सेप्ट कर ली गई है या फिर नहीं की गई है। तो इस तरह से आपको इसको फॉर्म को भरना है और ये स्टेप करने के बाद ही जब आप अपना चालान अपलोड कर देंगे तभी आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। तो इस तरह से गाइज आप अपना फॉर्म भरेंगे। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।